इस लेक्चर में हम देखेंगे नॉर्टन्स थ्योरम। पहले नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है उसे समझ लेते हैं। लेट अस एज्यूम यहाँ पर एक सर्किट है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, रजिस्टर, रजिस्टर, इंडक्टर, रजिस्टर। तो ये इस तरह का एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसे आप एक सिंपल सर्किट में बदल सकते हैं। उस सिंपल सर्किट में क्या होता है, एक नॉर्टन करंट होता है, उसके पैरेलल में नॉर्टन इम्पीडेंस होता है, उसके पैरेलल में लोड इम्पीडेंस होता है। थेवनिन इक्विवेलेंट कैसा होता है, उसमें VTH के सीरीज में ZTH होता है। नॉर्टन में कैसा होगा, नॉर्टन के पैरेलल में जेड नॉर्टन होगा। तो ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम नॉर्टन करंट को कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए कुछ पॉइंट नोट करें आप। शॉर्ट दी लोड, वहाँ पर VTH कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, ओपन दी लोड, यहाँ पर लोड को शॉर्ट करना है, बस ये एक ही पॉइंट ध्यान रखना है आपको। आर नॉर्टन या जेड नॉर्टन, दोनों अगर निकालना हो तो उनका प्रोसीजर सेम होता है। ZTH जैसे निकालते हैं ना, थेवनिन रजिस्टर निकालते हैं या थेवनिन इम्पीडेंस निकालते हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है हमें आर नॉर्टन या जेड नॉर्टन कैलकुलेट करने के लिए। अभी इसे भी मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प से समझाऊंगा आपको। सेम प्रॉब्लम लेंगे हम, जो हमने थेवनिन थ्योरम के लिए जो सर्किट लिया था, सेम सर्किट लेने वाले हैं यहाँ पर भी। देखिए सर्किट वही है, 40 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10, 25 और यहाँ पर 100 ओम का रजिस्टर। इस 100 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करना है। इस बार हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है नॉर्टन्स थ्योरम। तो पहले हम निकालते हैं नॉर्टन करंट। नॉर्टन करंट के लिए क्या पॉइंट लिखवाया है मैंने आपको, लोड को शॉर्ट करना है। लोड क्या होता है, जिसके अक्रॉस करंट निकालना है, करंट निकालना है 100 ओम के अक्रॉस। तो इस लोड को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट, ये देखिए यहाँ पे। और इस शॉर्ट सर्किट वाली ब्रांच में क्या फ्लो होगा, नॉर्टन करंट फ्लो होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताए थे, बेसिक सर्किट कॉन्सेप्ट वाला जो लेक्चर था, उसमें कि शॉर्ट सर्किट में करंट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये नॉर्टन करंट फ्लो होगा इस शॉर्ट सर्किट ब्रांच में, बाकी सर्किट के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, 40, 20, 10, 25। अब इस नोट पर वोल्टेज कितना आएगा, शॉर्ट सर्किट में मैंने आपको बताया था वोल्टेज क्या होता है, जीरो। इस ब्रांच में वोल्टेज जीरो, इसका मतलब इस नोट पर वोल्टेज कितना आएगा, जीरो वोल्ट। अब यहाँ पर हम नोडल इक्वेशन लिखते हैं, तो नोडल इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर V वोल्टेज होता तो हम क्या करते हैं, V-40। तो यहाँ पर जीरो वोल्ट है, इसलिए क्या करेंगे, 0-40 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 10। तो ये 10 कर दिया, तो ये आपको लिखते आ गया होगा। 25 ओम रजिस्टर के अक्रॉस अगर करंट देखना है तो क्या करेंगे, 0-20 बाय 25। इस ब्रांच में करंट कितना है, ये नॉर्टन करंट है, आई नॉर्टन। कैसा है, ये आउटगोइंग है इसलिए क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये आउटगोइंग है इसलिए क्या कर दिया हमने, पॉजिटिव, इक्वल टू जीरो। तो ये हमने नोडल इक्वेशन लिख दिए। अब इसे सिंप्लीफाई करें आप, यहाँ पर एक इक्वेशन है और एक ही अननोन है, तो आई नॉटन की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 24 डिवाइडेड बाय 5। आई नॉटन आ गया 24 डिवाइडेड बाय 5। आर नॉटन इक्वल टू आर थेवनिन, ये हम जानते हैं। तो अगर सर्किट सेम है तो इस सर्किट के लिए हमने आर थेवनिन कितना निकाला था प्रीवियस लेक्चर में, 7.14। तो आर नॉर्टन की वैल्यू भी क्या होगी, 7.14 ओम। अब हम बनाएंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ये है हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, आई नॉर्टन, उसके पैरेलल में आर नॉर्टन, उसके पैरेलल में आर लोड। तो आई नॉर्टन कितना निकाला, 24 बाय 5, ये पुट कर दिया। आर नॉर्टन कितना निकाला, 7.14। लोड कितना था, 100। इस लोड के अक्रॉस करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई, यही निकालना था हमें। अब यहाँ पर लगाएंगे हम करंट डिवाइडर रूल। ये जो मेन करंट है 24 बाय 5, इन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, 7.14 और 100 ओम वाली ब्रांच में। तो करंट आई निकालना है हमें 100 ओम वाली ब्रांच के अक्रॉस। तो करंट डिवाइडर रूल ये कहता है कि इसके अक्रॉस अगर करंट निकालना है तो इसकी पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस न्यूमिरेटर में लिखिए, इस 100 ओम वाली ब्रांच के पैरेलल ये वाली ब्रांच है 7.14 वाली, तो इसको लिख रहे हैं हम न्यूमिरेटर में। डिवाइड किससे करते हैं, जिस चीज़ में करंट डिवाइड हो रहा है, इन दोनों ब्रांच में करंट डिवाइड हो रहा है, तो डिवीजन में आ जाएगा 7.14 + 100, इनका समेशन, मल्टीप्लाइड बाय मेन करंट। मेन करंट कितना है, 24 बाय 5, मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई की वैल्यू मिलेगी हमें 0.32 एम्पियर। तो यहाँ पर भी देखिए आप, करंट की वैल्यू आ रही है 0.32 एम्पियर। थेवनिन थ्योरम से भी यही आई थी, नोट से भी यही आई थी और मैथ से भी यही आई थी। तो यहाँ पर इस लेक्चर में आपने नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना सीखा, नॉर्टन करंट, नॉर्टन रजिस्टर और
उस इक्विवेलेंट सर्किट को यूज करके हम किस प्रकार से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखा आपने। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्टन और थेवनिन दोनों को कंबाइन करके डिपेंडेंट सोर्सेस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं।